तो आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा हाउ टू डू फर्स्ट कैलकुलेशन। इसके लिए मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। एक चीज़, कुछ चीज़ें आपको याद करनी है, और दूसरी चीज़ मैं लास्ट में एक सेंटेंस बोलूंगा, उसको ध्यान में रखना है, इससे आपको कैलकुलेशन इम्प्रूव होगी। चलिए शुरू करते हैं। देखो, आपको फर्स्ट कैलकुलेशन के लिए एप्रोक्सीमेशन आना चाहिए भैया। एप्रोक्सीमेशन क्या होता है, देखिए, अगर 1000 में आप माइनस वन करोगे तो इसको 1000 लिख सकते हो, मतलब आपने वन को नेगलेक्ट कर दिया। या फिर आप 1000 में माइनस टू या थ्री भी करोगे तो भी इसको नेगलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप 100 से माइनस 20 करोगे तो आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इसको आप इज इक्वल टू 80 लिखोगे, ना कि नेगलेक्ट करके 100 ही लिखोगे, मतलब इसमें नेगलेक्शन नहीं होगा। इसमें तो माइनस करोगे 100 में से 20 तो 80 आएगा, लेकिन इसमें नेगलेक्शन हो सकता है। आपको कहाँ नेगलेक्ट करना है, कहाँ नेगलेक्ट नहीं करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे ना समझ पड़ेगी उसकी, ठीक है। जैसे अगर क्वेश्चन ये हो 1 प्लस इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, तो देखो इनफाइनाइट बहुत बड़ा टर्म है ना, और 1 बहुत छोटा टर्म है, तो ये ऑलमोस्ट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि हम 1 को नेगलेक्ट कर देंगे, इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कट जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा। इस तरह से नेगलेक्ट करनी होती हैं चीज़ें, ठीक है। और अप्रोक्सीमेशन में एक चीज़ और देखो, अगर मान लो 39 है, डिवाइड हो रहा है 8 से, तो आप इसको 40 मान लोगे और डिवाइड कर दोगे 8 से, तो आंसर 5 आ जाएगा। ऐसे आप एक दो नंबर ऊपर या नीचे कर सकते हो कैलकुलेशन इजी करने के लिए, ठीक है। और एक चीज़ ये है कि आपको अंडर रूट 2 की वैल्यू तो पता होती है 1.42, अंडर रूट 3 की वैल्यू भी पता होती है 1.72, और 1 अपॉन अंडर रूट 2 की वैल्यू भी जान लो भैया 0.7, बहुत काम की है ये, बहुत यूज़ होगा इसका, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई कह दे अंडर रूट 39 की वैल्यू बताओ, तो आपको तो इसका अंडर रूट नहीं आता, लेकिन आपको ये तो मालूम है ना कि अंडर रूट 36 की वैल्यू 6 होती है, और अंडर रूट 49 की वैल्यू 7 होती है, तो अब आंसर इन्हीं के तो बीच में आएगा, क्योंकि 39 इन्हीं के बीच में है, तो ऐसा आ जाएगा 6.5 समथिंग, इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछ ले अंडर रूट 5 की वैल्यू बताओ, तो आपको पता है अगर अंडर रूट 4 होता तो आंसर 2 आ जाता, अगर अंडर रूट 9 होता तो आंसर 3 आ जाता, लेकिन ये तो अंडर रूट 5 है ना, 4 और 9 के बीच में, तो वैल्यू इसी के बीच में आएगी, लेकिन कितनी आएगी वो आप ऐसे देख सकते हो। देखो 4 के फौरन बाद 5 है, मतलब 2 के बहुत करीब होगी, तो ये वैल्यू 2.2 समथिंग आएगी। आप ऐसे नेगलेक्ट करके अप्रोक्सीमेशन का लगाकर कैलकुलेशन को और क्वेश्चन को बहुत ईजी कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये बात ध्यान रखनी है, और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपको कुछ के स्क्वायर याद करने हैं, जैसे 1 × 1 इज इक्वल टू 1, 2 × 2 इज इक्वल टू 4, 3 × 3 इज इक्वल टू 9, 4 × 4 इज इक्वल टू 16, 5 × 5 इज इक्वल टू 25, 6 × 6 इज इक्वल टू 36, 7 × 7 इज इक्वल टू 49, 8 × 8 इज इक्वल टू 64, 9 × 9 इज इक्वल टू 81, 10 × 10 इज इक्वल टू 100, 11 × 11 इज इक्वल टू 121, 12 × 12 इज इक्वल टू 144, 13 × 13 इज इक्वल टू 14 × 14 इज इक्वल टू 196, 15 × 15 इज इक्वल टू 225, 16 × 16 इज इक्वल टू 256। 17 का नहीं याद करना, क्योंकि ये बहुत कम यूज़ होता है, इसलिए मैं इसको याद ही नहीं करवा रहा। आपको 18 का याद करना है, ये होता है 324, फिर आपको 25 का याद करना है, ये होता है 625। बस इतने स्क्वायर याद करने हैं, बाकी आपकी कैलकुलेशन खुद इजी हो जाएगी। कुछ क्यूब भी याद कर लो, जैसे 2 का क्यूब होता है 8, 4 का क्यूब होता है 64, बाकी 2 के पावर में 5 होता है 32, ये भी याद कर सकते हो। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो आपकी कैलकुलेशन आसान करेंगी फिजिक्स के क्वेश्चन या किसी भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। और कुछ चीज़ें आप ये भी ध्यान रखो कि 1 अपॉन 2 होता है 0.5, और बाकी
वन अपॉन फाइव होता है 0.2, बाकी वन अपॉन फोर होता है 0.25, बाकी वन अपॉन एट होता है 0.25, वन अपॉन थ्री होता है 0.33 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। और बस आप इतनी चीज़ें ध्यान रखो, आपकी कैलकुलेशन में हेल्प होगी, इसके अलावा कुछ हैक नहीं है भैया। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको पहले कैलकुलेशन फास्ट करके फिजिक्स नहीं सीखनी है, आपको पहले फिजिक्स सीखनी है, उसके बाद कैलकुलेशन खुद फास्ट हो जाएगी। मैं फिर से दोहराता हूँ, आपको कैलकुलेशन फास्ट कर फिजिक्स नहीं सीखनी है, आप पहले फिजिक्स सीखो, कैलकुलेशन तो खुद फास्ट हो जाएगी। ओके, थैंक यू।